मेरे तो पथरी थी जी। पथरी कितने एमएम की थी? 8-9 एमएम की जी। निकल गई ताको से मान दो पग गए इम सड़प सी तले करते वा भी ठीक अभी। अच्छा पैर की सड़प सी वा भी ठीक हो गई। बस बच्चा मेरा बोलता नहीं है। अच्छा तो उसके लिए मैं आई थी। पहली बार ही आई? नहीं मैं दूसरी बार आई। दूसरी बार आई हाँ जी। तो कुछ ऐसा एक्टिविटी में कुछ फर्क पड़ा महसूस? हाँ बिल्कुल कुछ तो फर्क लगा है तभी। अच्छा। मैं आई। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लंबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाणो भाइयों फिलहाल खड़े हम शनि शक्ति धाम सीसवाड़ में। आज मंगलवार का दिन है और आप काफ़ी लोग फोन पे पूछते रहते हैं कि पूछा कब कब देखी जाती है। पूछा मंगलवार, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार और रविवार यानी एतवार, तीन दिन देखी जाती है। शनिवार को सिर्फ झाड़ा लगता है। शनिवार को कोई भी पूछा दिखाने के लिए ना आए, सिर्फ झाड़ा लगवाने के लिए आए। मंगलवार बृहस्पतिवार और संडे यानी रविवार, तीन दिन पूछा देखी जाती है और शनिवार को सिर्फ झाड़ा लगता है। हर पूर्णिमा को यहाँ पर विशेष अर्जी लगती है, अरदास लगती है, तावीज़ दिए जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हेतु हवन यज्ञ होता है। लोग जो यहाँ पर जुड़ते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, उनके किसी के काम बनते हैं या नहीं बनते हैं, हम सिर्फ उनसे पूछते हैं ताकि आप लोगों तक सच्चाई पहुँच सके। और सच्चाई पहुँचाने के लिए ही हम हर उस धाम पर जाते हैं जहाँ पर कोई पाखंड नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, किसी तरह का प्रोपगंडा नहीं होता है, कोई लूट खसोट नहीं होती है। सच्चे और सनातन धर्म के जुड़े धामों पे हम यात्रा करते हैं। फिलहाल मैं बातें कराऊंगा, भगत जी से भी कराऊंगा आपकी, और जो आए हुए हैं उन लोगों से भी कराऊंगा। सबसे पहले तो भाई साहब बैठे हैं सामने। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कहाँ से हैं? डोबी से। खारिया डोबी से। तो आप तो आते रहते हो धाम पे? हाँ अभी दो घड़ा हो गया आते हैं। अच्छा दो बार। क्या समस्या है आपको? समस्या तो यही घर की कोई थोड़ी घड़ी। अच्छा तो पूछा दिखाई थी कि फिर बताया भगत जी ने? सही बताया। सही ठीक सही बताया। तो ये कुछ उपाय बताया वो कर रहे हो? तो वही करने कुछ फर्क है? हाँ है आराम। चलो तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आप? खैरमपुर से। खैरमपुर से। हाँ जी। अच्छा आपके समस्या लेके आ रहे हो बाबा के दरबार में? ऐसे ही माता टेक घर की कुछ समय से। पहले भी आए हैं? हाँ पहले आया लाला बीस बार ने। क्यों फर्क पड़ा है? अच्छा फर्क है। अच्छा फर्क है। हाँ। अच्छा एक बार ही आने से? एक बार से। अच्छा एक ही बार आए पहले? एक ही बार। और उसमें व्याज दर से ज्यादा फर्क है? उसमें फर्क है। अच्छा बहुत अच्छा फर्क है। बहुत अच्छा फर्क जी। फिर तो बाबा की झाड़े में ताकत है? ताकत है कुछ बिल्कुल है। नाम क्या आपका? शेर सिंह। शेर सिंह। तो पहली बार ही आए हैं? पहले के लेने आए थे? पहले झाड़ो गलवाना आए थे। किस चीज़ का झाड़ा लगवाया था? मेरे तो पथरी थी जी। पथरी? हाँ। कितने एमएम की थी? 8-9 एमएम की जी। निकल गई? निकल गई। झाड़ा तो पथरी निकल गई? निकल दर्द तो होना रहा तो निकलेगी। अच्छा निकलेगी दर्द नहीं होता तो निकलेगी। झाड़िया में ठीक हो गया था? मैंने तीन झाड़ा लगवाया जी। तीन झाड़े? मुझसे पहले ऑपरेशन करवाया था दोबारा हो गई थी। अच्छा अच्छा भाई पथरी का ऐसा ऑपरेशन करा ले तो भी दोबारा हो जाती हो गई थी जी दर्द होने। तो अभी ठीक है? बिल्कुल अभी ठीक है। अच्छा अभी पिछली बार आया तो ताको से मान दो पग गए इम सड़प सी तले करते वा भी ठीक अभी। अच्छा पैर की सड़प सी वा भी ठीक हो गई? वा भी ठीक हो गई। अच्छा तेरे तो खूब फायदा करना रहा सनी देव। अभी तो आ रहा हूँ जी। अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया भाई धन्यवाद शुक्रिया। नाम क्या आपका? राकेश है जी। गाँव? गाँव गडडा जी राजस्थान से। गडडा राजस्थान से। और बैठे भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। कहाँ से हैं? मैं साहब जो कानपुर से हूँ। कानपुर से? जी जी। यूपी से? जी यूपी। अच्छा, कानपुर। पहली बार आए हैं आप यहाँ? नहीं दोबारा आए हैं आपका वीडियो देख करके। पहले कब आए थे? पहले पूर्णिमा को आए अर्जी लगाई मैंने यहाँ। वापिस चले गए थे? हाँ वापिस चले गए। कानपुर? जी। यहीं रुक जाते? हिसार में रुक गए थे। अच्छा हिसार में रुक गए थे। हाँ क्या क्या समस्याएं हैं आप बता सकते हैं मेरे दर्शकों को? मेरा धंधा रोजगार सब बंद है चलता नहीं है। अच्छा अच्छा। ना नौकर वोकर जैसे धंधा डालता हूँ तो नौकर नहीं रुकते। अच्छा घर में कुमत है थोड़ा। अच्छा, बच्चों से पत्नी से। अच्छा, अच्छा। उसके बारे में भी और मैं समस्या मेरी ये ज़्यादा घुटनों से पैर से खड़ा नहीं हो पाता हूँ। आप जी कहाँ से हैं? बम्बई से। बॉम्बे से आप साथ? मुंबई से साथ। अच्छा अच्छा पहली बार आए हैं? पहली बार। कब आए थे? पूनम को। पूर्णिमा को आए थे? पूनम को। क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों? बिजनेस की है या कैसी है? आपको शारीरिक कष्ट है? बहुत समस्या और कुछ पर्सनल काम भी है। पर्सनल भी? अच्छा अच्छा। हड्डी में दर्द रहता है आपके? मैं
झाड़ा लगवाया था? लगवाया। कुछ आराम से महसूस हुआ गया कुछ थोड़ा बहुत? महसूस, क्योंकि ऐसा मैं देखता हूँ यहाँ पर कि पहले झाड़े में थोड़ा बहुत आराम सा होना शुरू हो जाता है। नहीं, अब भी तो हुआ है ना आगे का। आपको क्या लगता है जी कि ये दरबार में आने से यहाँ कुछ है ऐसा सुकून शांति, या दरबार में कोई फ्रॉड पड़ा है, या कैसा लगे दरबार? नहीं, मुझे यहाँ ही तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सारा काम बनेगा। जी आज से तो मुझे पूरी बिल्कुल शांति से, एक निस्वार्थ भाव से। अब मैं एक बात बताता हूँ, सभी दर्शक भी सुने, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, खास करके उन माताओं बहनों को जो कोई भी हो, चाहे हम जल्दबाज होते हैं और चाहते हैं कि भगवान यूँ चुटकियों में कर दे हमारा काम, कहीं भी जाएं हाथ लगाएं या बाबा फूंक मारे काम कर दे। कोई भी ऐसा महात्मा, कोई ऐसा बाबा, कोई खुद भगवान भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि कर्मों का फल देने वाला ऊपर बैठा है शनि भगवान। जैसा हमने किया जब तक तो उसका भोग नहीं भोग लेते, भगवान के बस की बात भी को नहीं, क्योंकि हमारे कर्मों का ही फल है। जो दुख दर्द आते हैं पता नहीं किस जन्म का उठ के आ जाता है, और वो जो फल मिल जो है ना, यदि हम भगवान का नाम लेंगे, शांति से रहेंगे, गुस्से को मारेंगे, तो भगवान उस फल को, जैसे गेटी कटनी हो ना, गर्दन कटनी हो तो उंगली कट के रह जाएगी, भोगना फिर भी पड़ेगा, दर्द कम हो जाएंगे, दुख कम हो जाएंगे, तकलीफ कम हो जाएंगे, ये बात होती है। तो इसलिए निस्वार्थ भाव, स्वार्थ छोड़िए, चरणों में गिर जाइए, जहाँ भी जिस भी मंदिर में जाते हैं, बाबा भगवान मैं तेरा, तू मेरा, मन्ने नहीं मेरा, यानी कि मेरे पिछले कर्मों की माफी दे, मैंने जो भी कर पता नहीं के बूंदे कर्म करोड़ है, मैं नीच हूँ, अदम हूँ, पापी हूँ, मैंने माफ कर। प्रार्थना करोगे ना, नूकोगे ना, बाबा मैंने धन दे दे, इस खातर जाए बाबा मेरा दर्द ठीक कर दे, बाबा का दी उड़ा है, भगवान का दी उड़ा है, दुख दर्द जो भी है तकलीफ है उसका आगे क्या बताना है, उसका आगे तो प्रार्थना करनी है। जज ने तो बेरा है, खून कर रखे है, 302 धारा से फांसी दूंगा, फिर उसका आगे प्रार्थना करा, वकील प्रार्थना करे, नहीं जी ये गलती से हुआ है, ये ऐसा हुआ है, हाथ जोड़े फिर वो नुका, चल 20 साल की सजा कर दें, 10 साल की कर दें, हाँ घटा देगा सजा, और यदि सजा घटा दी और जेल में चले गए, अच्छा व्यवहार करे तो पूरे 5 साल की कर दे, उड़ते बीच में काट दें, भाई अच्छा व्यवहार से इसका, ये बात है। कर्म तो भोगना पड़े, साल 2 साल 4 साल धक्के खाने पड़े यानी, लेकिन इतना फर्क हो जाता है। इसलिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो, भूल जाओ दूसरों को, किसी को ये मत सोचो ये कोई खा रहा है या पी रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, वो उसका कर्म कर रहा है, करने दे। कोई आपको धक्का दे रहा है वो अपना कर्म कर रहा है, तुम बचो उससे, उसके सामने हो गए तो हम उस जैसे ही हो गए, पापी हो गए। से हैं आदमपुर मंडी से दोनों ही, तो आपकी समस्या लेके आए? बस घर की है, लड़के की। लड़के क्यों हुआ? बस ऐसी घर की समस्या है। लड़का शादीशुदा है? हाँ। आपका भी लड़का शादीशुदा है? नहीं। आपकी समस्या लेके आए? ये तो मेरे साथ ही है। साथ है, पहली बार आई? मैं तीसरी बार आई। तीसरी बार आई? शनिवार को आए थे और पूनम वाले दिन आए थे, आज आए। तो लगा बस 3 दिन हुए, अभी तो 4 दिन हुए हैं टोटल, 4 दिन हुए आपको लगातार ही आ गया? हाँ। तो कैसा क्या लग गया आने से? कुछ बस अंदर से मेरा मन ये कर रहा बस यहीं, मतलब यहीं आते जाते रहो। अच्छा, अच्छा लग रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो आज बाबा से पूछेंगे। नमस्ते जी। जी जी, कहाँ से हैं? हिसार से। बड़ी जल्दबाजी में आ रहे हैं, भागे 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 बच्चे के साथ। क्या बात बेटा, बोलो। हेलो हेलो कर दे। हेलो, पहले भी आए हैं आप तो? हाँ जी नमस्कार, मैं जयपुर से आई हूँ। जयपुर से? हाँ जी। क्या समस्या लेके आई जयपुर से बाबा के दरबार? थोड़ा इधर आ जाए। बस बच्चा मेरा बोलता नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए मैं आई थी। पहली बार ही आई? नहीं, मैं दूसरी बार आई। दूसरी बार आई? हाँ जी। तो कुछ ऐसा एक्टिविटी में कुछ फर्क पड़ा? हाँ बिल्कुल, कुछ तो फर्क लगा है तभी मैं आई हूँ। अच्छा, एहसास हो गया भाई? होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो नमस्कार, आप कहाँ से? मैडुगट विजयलक्ष्मी हिसार से। हाँ जी, हिसार से। हिसार से? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप पहली बार आए हैं? हाँ जी, हम तो महाराज के पहली बार आए हैं। पहली बार? हाँ जी। अच्छा, समस्या है कोई, शारीरिक प्रॉब्लम है? नहीं, आप मैं तो महाराज शनिदेव महाराज की प्रिय भगत हूँ जी। अच्छा, मैं तो आती हूँ। क्या बात, मेरे को तो महाराज ही मेरे सब कुछ है जी, शनि महाराज। अच्छा जी, मेरे अन्नदाता, मेरे सब कुछ है जी। क्या बात। ये देखिए दर्शकों, ये जो भक्ति भाव है ना, ये भाव विभोर कर देता है, और ऐसे निस्वार्थ भाव से आप जाओगे तो कोई संकट दुख दूर आ ही नहीं सकता। महाराज की बड़ी कृपा है जी, महाराज बड़े महाराज जी। शुक्रिया, धन्यवाद जी। कहाँ से हैं आप? पहले से।
की तकलीफ है? बस न्यू बीमार गोली दवाई चलिया करती। कितनी साल से थी समस्या? न्यू तो घने दिन हो गए थे जी। तो शनि बाबा का आंधी कितने दिन हो गए? साल हो गया। ठीक हो गया कुछ? नहीं ठीक सर जी। ठीक हो गया। वैसे आ जाते तो दर्शन कर। हाँ वो आ जा। समस्या ठीक हो? ये आपके बेटा है कि? और भाई आप भी माँ के साथ आते हो या कोई समस्या? माँ के साथ। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है भाई, जाना चाहिए मंदिरों में। हाँ जी, जॉइंटली से। जॉइंटली से दोनों ही? मैं समस्या रखी हूँ, मेरा भतीजा का शुगर हो रही है। क्यों हो गया? शुगर हो रही, भतीजा का 5.5 साल का ले हो? और आप? बेटा उसका बेटा आपका भतीजा, आप लेके आए हैं? आप तो पहले भी आती रहती? अब मैं तो उरे आऊँ हूँ जी। एक की समस्या ठीक हुई है उरे और किसी की पहले आप तक? फर्क हुआ जी का खूब जमा। क्या की समस्या थी आप? मैं तो आंधी रहूँ जी, नहीं मेरे तो सुख शांति घर में सारा। आप पहली बार आए? हाँ जी पहली बार। शुगर कितनी साल तक उसके? 3 महीने। कितनी साल का है? 5.5 साल। 5.5 साल का शुगर हो रही है? साढ़े हो गए। चलो करेगा बाबा भली बात। हाँ जदे जी उरे राम हो सारे संकट कटे। हाँ बिल्कुल हो भाई, आराम तो देखो श्रद्धा की बात, श्रद्धा और विश्वास है जहाँ। हाँ हाँ हाँ, संकट कटे। कहाँ से है? सात रोड से। पहली बार आए हो? हाँ जी, शनिवार को आए हैं, आज फिर आए। ये समस्या भाई? बस वो घर वाले के पूछना भाई जी। पूछा करवाना है आज? हाँ जी। शनिवार को झाड़ा लगवा के गए थे? हाँ जी। क्या का झाड़ा लगवाया था? बस जी वो मेरे गले के लिए करवा के गए थे थोड़ा। तो क्यों फर्क पड़ा कि थोड़ा बहुत? तो वैसे तो है थोड़ा वाला लग। हाँ जी। आपका क्या समस्या थी? गोड्या में दिक्कत थी महाराज। गोड्या में? हाँ। कितने दिन थे? कई साल से है। एक साल थे ना? 15 साल का नीड। 15 साल हो गए? अच्छा, फिर झाड़ा लुआ है कि पहले का था? ना ना, आज पहला झाड़ा? दूसरा झाड़ा है। दूसरा? हाँ। पहला झाड़ा से फर्क पड़ा कि थोड़ा बहुत? थोड़ा हाँ थोड़ा। सच्ची से की? ना कोई बता महाराज जी, थोड़ा हद है, जितना झाड़ा लाया बब्बा ने थोड़ी जीत है। चलो हो जाएगा ठीक, बब्बा की मेहरबानी। तो मैं आप लोगों को शनि शक्ति धाम सीसवाड़ का रास्ता बता देता हूँ। हरियाणा में जिला हिसार है, आप कहीं से भी आते हैं तो हिसार आए, और इशार से 10 नंबर बूथ पे बस लगती है, बस स्टैंड पर इशार में बगड़ा भादरा वाली, उसमें बैठिए और काबरेल उतरिए। काबरेल से मात्र किलोमीटर की दूरी पर शीशवाड़ा रोड पर, आदमपुर रोड पर शनि शक्ति धाम है, और इधर से बालसमंद की तरफ से या आदमपुर की तरफ से इधर से आने वाले लोग काबरेल आए वो इशार न जाएँ। कहीं से भी किसी भी स्टेट से आप आ सकते हैं हिसार, ट्रेनें आती हैं बसें आती हैं। हिसार बस स्टैंड पे आके काबरेल गांव की टिकट लीजिए। काबरेल और शीशवाड़ा के बीच में धाम है शनि शक्ति धाम, और इसमें मंगलवार वीरवार शनिवार और रैतवार 4 दिन दरबार लगता है। शनिवार को सिर्फ झाड़ा लगता है, बाकी दिनों पूछा देखी जाती है। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और किसी दुखी व्यक्ति के पास पहुँचे तो वो अपना स्वार्थ हल करवा सके, अपनी समस्याओं का समाधान करवा सके। जय हिंद, नमस्कार।